एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक और फाइव पैसा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी सैलरी के बारे में। सोचे कि आप किसी नई कंपनी में एक नई पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इस नई कंपनी में ₹15 लाख का पैकेज मिल रहा है, जिसके लिए आप काफी एक्साइटेड हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको 1.5 लाख रुपीस मंथली मिलेंगे, लेकिन आपको एक्चुअली सिर्फ 1.10 लाख रुपीस मिलते हैं। इस फाइनल अमाउंट को नेट सैलरी कहते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोस सैलरी के बारे में, नेट सैलरी के बारे में, इनको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे एंड फाइनली वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड नेट सैलरी। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, दरअसल आप उस कंपनी को अपनी सर्विसेज देते हैं, जिसके बदले आपको सैलरी मिलती है। कंपनी आपको कितनी सैलरी देगी, ये ऑफर लेटर में मेंशन होता है। और जो सैलरी ऑफर लेटर में बताई जाती है, वो होती है ग्रोस सैलरी। तो गाइस, ग्रोस सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं? इसमें इंक्लूडेड है आपकी बेसिक सैलरी, HRA, LTA, मेडिकल अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, मील अलाउंस एंड मोर। इसके अलावा कुछ कंपनीज आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ओवरटाइम, वेरिएबल पे और ट्रैवल का खर्चा भी आपको देती हैं। ये सभी ग्रोस सैलरी का हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं नेट सैलरी के बारे में। नेट सैलरी का मतलब है वो सैलरी जो हर महीने आपके हाथ में आती है, जिससे टेक होम भी कहा जाता है। आपकी ग्रोस सैलरी में से ज्यादातर कंपनीज आपके और खुद अपने हिस्से का भी PF डिडक्ट करती है। इसमें से प्रोफेशनल टैक्स, TDS, पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा भी डिडक्ट होता है। ये सब डिडक्ट करने के बाद जो पैसा आपके हाथ में आता है, उसे हम नेट सैलरी कहते हैं। अब ग्रोस और नेट सैलरी को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि रोशन का मंथली ग्रोस पैकेज 1 लाख रुपीज है। इसमें 50,000 रुपीज बेसिक सैलरी है, HRA है 20,000 रुपीज, LTA 10,000 रुपीज और ट्रैवल अलाउंस है 20,000 रुपीज। अब हर महीने कंपनी रोशन की ग्रोस सैलरी में से इनकम टैक्स के लिए 12,000 रुपीज, PF के लिए 1,800 रुपीज और 200 रुपीज प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करती है। यानी रोशन का हर महीने कुल 14,000 रुपीज कट होता है। ऐसे में रोशन की नेट सैलरी हुई ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शंस, यानी 1 लाख माइनस 14,000 इक्वल्स 86,000 रुपीज पर मंथ। अब जरा डिटेल में समझते हैं ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी के बीच का डिफरेंस। ग्रोस सैलरी अमाउंट है जो अलाउंसेस जोड़ने के बाद लेकिन जरूरी डिडक्शंस के पहले होता है, जबकि नेट सैलरी वो अमाउंट है जो ग्रोस सैलरी में से डिडक्शंस के बाद कैलकुलेट होता है। अब देखते हैं दोनों में शामिल चीजों में क्या क्या अंतर है। ग्रोस सैलरी में बेसिक, HRA, LTA, TA और बाकी सभी अलाउंसेस शामिल होते हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, जबकि नेट सैलरी में शामिल होते हैं वो ग्रोस सैलरी जो PF, TDS, पेंशन, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स सभी डिडक्शंस को रिमूव करने के बाद बनती है। ग्रोस सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस HRA प्लस LTA प्लस मेडिकल प्लस अदर अलाउंसेस, जबकि नेट सैलरी का फॉर्मूला होता है ग्रोस सैलरी माइनस ऑल डिडक्शंस। ग्रोस सैलरी का फायदा होता है हॉलीडे अलाउंस या बोनस जैसे मॉनेटरी बेनिफिट्स के रूप में, जबकि नेट सैलरी आपकी टैक्स को लेकर चिंता कम करती है, क्योंकि आपके हाथ में आने से पहले ही काफी कुछ टैक्स डिडक्ट हो चुका होता है। जहां ग्रोस सैलरी में सभी टैक्स शामिल होते हैं, वहीं नेट सैलरी में कोई टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता। और क्लियरली ग्रोस सैलरी आमतौर पर नेट सैलरी से ज्यादा होती है। ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। एम्प्लॉय को अंदाजा रहता है कि उसका कितना PF जमा हो रहा है, कितना टैक्स कट रहा है और कितना HRA कट रहा है, ताकि उसी हिसाब से वो उतने किराए का मकान ले जिस पर उसको इनकम टैक्स ना भरना पड़े। इसके अलावा एम्प्लॉय जब कंपनी के काम से टूर पर जाता है तो अलाउंस के हिसाब से होटल और खाने पर खर्च करता है। साथ ही एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि महीने के एंड में उनके पास कितना पैसा आने वाला है और कितना इनकम टैक्स उन्हें और भरना है, और इसे एम्प्लॉय को अपना बजट बनाने, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग में मदद मिल जाती है। दूसरी तरफ हर एम्प्लॉय की सैलरी से कंपनी का एम्प्लॉयज पर कुल होने वाला खर्च का पता होता है,
और कंपनी उसी हिसाब से अपना ग्रोथ प्लान तैयार करती है। सो गाइस, हमें ये उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद ग्रोथ और नेट सैलरी को लेकर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम आगे भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा YouTube चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।